हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज हमारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट ऑल न्यू टीवीएस अपाची आरटीआर 162V का 2022 मॉडल। फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर में, और आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे इसके ग्लॉसी ब्लैक कलर को दिखाने के लिए। तो ये फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे 2022 वेरिएंट जो है वो अवेलेबल हो गया है। तो आप आज के इस वीडियो को पूरा देख लें, प्राइसिंग डिटेल्स वगैरह सब आपको हम देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये जो बाइक है ना, 160 सेगमेंट में एक ऐसी बाइक है जिसका कि क्रेज़ जो है अभी भी कम नहीं हुआ है। आप देख पा रहे होंगे स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, और स्पेशली ब्लैक कलर में जो बाइक है ना काफ़ी ज़्यादा आई है। इससे ये पता चलता है कि ब्लैक कलर का भी इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और ग्रे और ब्लू कलर भी इसका देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको हम पूरा यहाँ पे जो भी डाउट्स है इस बाइक को लेकर वो सब क्लियर करने वाले हैं कि 2022 में आपको इस बाइक को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइक के यहाँ पे प्राइस के बारे में। तो इसका फ्रेंड्स ये भी हमारे पास डुअल डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक यहाँ मिल जाता है। और इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो फ्रेंड्स आपको मिल जाता है 113,640 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। और ऑन रोड की बात करते हैं तो ऑन रोड लगभग में 130,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में जाता है। तो ऑन रोड जो प्राइजेज है वो थोड़ा सा फ्रेंड्स वैरी कर सकता है आपके एरिया में, हमारे एरिया में, क्योंकि आरटीओ और इंश्योरेंस चार्जेस सभी स्टेट का थोड़ा अलग होता है। बट अप्रॉक्स में ये 130,000 रुपीज़ के आसपास में आपको मिल जाएगी ऑन रोड। तो 130,000 रुपये के हिसाब से आप लुक्स देख पा रहे होंगे, कंपनी काफ़ी टाइम से यही लुक सेल कर रही है। बट अभी भी फ्रेंड्स इसका जो लुक्स है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। फ्रंट से भी बाइक काफ़ी अग्रेसिव लगती है देखने में। आप देख पा रहे होंगे अभी बिल्कुल ही यहाँ पे न्यू आया, एलईडी में आपको लाइट्स मिल जाता है, और एलईडी में यहाँ पे कंपनी मतलब आपको डीआरएल जो है वो प्रोवाइड कर देती है, टीवीएस का लोगो मिल जाता है, बल्ब में यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स इंडियन फ्लैग का आपको लोगो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये छोटे मोटे जो टच है ये आपको मतलब यहाँ पे लगभग टीवीएस की सभी गाड़ी में देखने को मिल जाएगी, सभी बाइक्स में कंपनी लोगो ज़रूर देती है, और रेडर में भी मिला हुआ है। बाकी यहाँ सुपर मोटो की आपको बैजिंग जो है वो मिल जाती है, और यहाँ पर ग्राफिक्स वर्क किया गया है फ्रंट में, और बॉडी कलर में ही आपको सभी कुछ यहाँ पे मिल जाता है। टायर्स यहाँ पे आपको टीवीएस कंपनी का ही मिल रहा है, बीच में यहाँ पे कंपनी ने जो है वो टायर्स का ब्रांड चेंज किया था, बट इस बार फिर से आपको टीवीएस का ही मिल रहा है। और अगर हम इसके सेक्शन की बात करते हैं तो 90x90 का 17 इंच का आपको मिलता है, और यहाँ से आप लुक्स देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा आता है फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड से बाइक का लुक्स। टैंक में यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स वर्क देखने को मिलता है, और ग्लॉसी ब्लैक कलर में इसका जो लुक्स है वो काफ़ी अच्छा आता है। हॉर्स का लोगो आपको मिल रहा है, और रेड कलर से स्टिकरिंग वर्क किया गया है ब्लैक में, तो ब्लैक में जो रेड है ना वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बाइक का लुक्स काफ़ी अच्छा आ जाता है। इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपको इंजन मिलता है वो आपको मिल जाता है 159.7 सीसी का, और ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, एयर कूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। पावर फिगर्स की बात करते हैं तो 15.31 BHP का पावर और 13.9 Nm का टॉर्क मिलता है, और ये जो है फ्रेंड्स 5-speed गियरबॉक्स सेटअप के साथ आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बाकी अपाची का लोगो आपको मिल जाता है साइड में, थोड़ा सा कार्बन फाइबर टाइप का फिनिशिंग दिया गया है, और सीट जो है वो फ्रेंड्स रेड कलर के स्टिचिंग के साथ आ जाता है जो कि एक अच्छा लुक यहाँ प्रोवाइड कर देता है। और डुअल टेक्सचर में कंपनी आपको सीट्स प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फ्रंट का राइडर के लिए अलग, प्लेन के लिए अलग। बाकी ग्रैब रेल्स यहाँ पे स्प्लिट में आपको मिलता है जो कि काफ़ी टाइम से कंपनी सेल कर रही है। MIG के आपको यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर्स पीछे मिल जाते हैं जो कि एक अच्छा यहाँ पे आपको राइड क्वालिटी डिराइव करता है, मतलब आप जो बाइक राइड करेंगे उस टाइम पे आपको कंफर्ट मिलेगा इससे। और गैस चार्ज सस्पेंशन सही है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको रेयर का जो टायर है वो 100 सेक्शन 110 सेक्शन का आपको मिल जाता है, 110x80 का। और फ्रेंड्स देखा जाए तो मतलब टायर्स का ग्रिप अच्छा है, रिमोरा सीरीज़ के आपको टायर्स जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ से अगर बात करते हैं तो टेल लाइट्स आपको LED में मिल जाता है पूरा, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 2022 का जो है वो बैजिंग भी मिल जाता है, ईयर 2022 का। तो आप देख पा रहे होंगे लुक्स कुछ ऐसा आपको मिल रहा है यहाँ पे बैक से। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया इसका बैक का बात। अगर हम बात करते हैं इस साइड से तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ABS का जो रिंग है वो मिल जाता है ब्लैक कलर से, और सुपर मोटो ABS की आपको बैजिंग जो है वो मिल रही है। नीचे में इंजन काउल आपको लगा हुआ मिल जाता है, यहाँ पे हॉर्स का लोगो कंपनी 3D में दे रही है। बाकी यहाँ इंजन किल स्विच आपको मिल जाता है, सेल्फ मिल रहा है, और मीटर कंसोल सेम है ना, लॉक प्लस डिजिटल के कॉम्बिनेशन में ही आता है। और साइड स्टैंड सेंसर जो है वो इस बार ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कंपनी आपको साइड स्टैंड सेंसर प्रोवाइड कर रही है जो कि पहले आपको नहीं मिलता था। तो सेफ्टी भी यहाँ पे पहले से बढ़ गया है, और बाइक जो है वो अब मतलब कंफर्टेबल भी काफ़ी है 160cc सेगमेंट में। तो आप चाहें फ्रेंड्स तो इस बाइक को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था एक यहाँ पे ओवरव्यू ऑल न्यू 2022 मॉडल ब्लैक कलर वेरिएंट का, अपाची आरटीआर 162V का। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।